नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। जिनके इशारे पर जिले का सरकारी अमला नाचता हो, जिनके खौफ से अफसरों की सांसें अटक जाती हो, उस डीएम साहब को उनकी पत्नी बुरी तरह पीटती है और इतना पीटती है कि हाथ तक तोड़ देती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप बीती है शिवहर के डीएम सज्जन राजशेखर की। राजशेखर कहते हैं कि उनकी पत्नी गुस्सेल प्रवृत्ति की है और वह हिंसक हो जाती है। पिछले मार्च में पत्नी ने उन्हें पीटा और हाथ तक तोड़ डाला। दरअसल डीएम साहब और उनकी पत्नी में नहीं बनती। पत्नी मुजफ्फरपुर में रहती हैं, जबकि सज्जन राजशेखर बतौर डीएम बिहार के शिवहर जिले में पोस्टेड हैं। पत्नी ने उन पर मुजफ्फरपुर टाउन थाने में घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपने डीएम पति पर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। पत्नी ने प्राथमिकी में लिखा है कि उनके डीएम पति कहते हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ करोगी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके दोनों बच्चों, जो एक 2 साल का है और दूसरी 10 महीने की, उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। इस बारे में मुजफ्फरपुर टाउन थाने के थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि डीएम की पत्नी ने 498A के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि शिवहर के कलेक्टर सज्जन राजशेखर का अपना ही पक्ष है। वो पत्नी को ही हिंसक प्रवृत्ति का बताते हैं और कहते हैं कि पिछले मार्च में उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरा हाथ टूट गया। डीएम साहब का कहना है कि उनकी पत्नी को वो अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होती। उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप बिल्कुल झूठा है। वो अपनी माँ के बहकावे में आकर ये सब कर रही हैं। सज्जन राजशेखर और उनकी पत्नी तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं। 4 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। शादी से पहले उनकी पत्नी इंफोसिस में इंजीनियर थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब वह अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं। पत्नी ने FIR में लिखा कि उनके पति और उनका परिवार उनसे दहेज की मांग कर रहा है। पति बुरी तरह पीटते हैं, इसी वजह से वह उनके पास जाने से अब डर रही हैं। वे अपने दोनों बच्चों की अभिरक्षा के लिए पटना हाईकोर्ट में अगले सप्ताह अधिवक्ता सरोज कुमार शर्मा के जरिए रिट याचिका दायर करने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।